friends, welcome to AB videos. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मशरूम दो प्याजा की सब्जी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही यमी रेसिपी है, तो देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए मशरूम, एक पैकेट मैंने यहाँ पर फ्रेश मशरूम लिए हैं, और चाहिए होंगे प्याज, एक प्याज का तो हम पेस्ट बनाएंगे, और इन दो प्याजों को मैं मोटा मोटा कट करूंगी, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा लहसुन, दो टमाटो की प्योरी, कुछ खड़े मसाले चाहिए होंगे, छोटी सी स्टिक दालचीनी की, थोड़े से लौंग और छोटी वाली इलायची, बाकी सब ड्राई स्पाइसेस चाहिए होंगे। इन अनियंस को हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से बस इसके फोर पीस करके, चार पीस करके हम इस तरह से इनको अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से प्याज को कट करेंगे हम, मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और उसको भी बहुत ज्यादा छोटा कट नहीं करेंगे, और एक ये जो अनियन है मीडियम साइज का, इसको और ये जो हमारे अदरक और लहसुन है, और साथ ही जो ये खड़े मसाले हैं, इन सबको एक मिक्सी में डालकर इनका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। खड़े मसालों को साथ ही अगर हम मिक्सी में मैश करेंगे तो फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मशरूम को हम इस तरह से कट कर लेंगे, जो छोटे हैं उनके टू टू पीसेज ही करेंगे, इस तरह से ज्यादा हमने इनको छोटा नहीं करना। इस तरह से सब चीजों को कट कर लेंगे हम। ये देखिए, प्याज, लहसुन, अदरक और जो खड़े मसाले थे उनका इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। अब एक बर्तन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और जो हमने मोटे मोटे प्याज कट करके रखे थे उनको थोड़ा सा शैलो फ्राई सा कर लेंगे। ये देखिए, इनको हमने हाई फ्लेम पर ही थोड़ा सा कुक करना है प्याज को, और बस प्लेट में निकाल लेंगे। अब दोबारा से पैन में हम ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, एक चम्मच ऑयल डालेंगे, और इसको हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, बटर और ऑयल के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो आधा चम्मच इसमें जीरा ऐड कर देंगे, साथ ही ये जो तेज पत्ता हमने रखा था वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा कुक करने के बाद अब ये जो प्याज वाली पेस्ट थी हम वो ऐड कर देंगे, और अच्छे से प्याज ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे हम। अच्छे से प्याज ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। इसको प्याज में टमाटर ऐड करने के बाद कुछ मसाले, ड्राई स्पाइसेस हम डालेंगे, जो कि इस तरह से हैं। आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी, ऐसे ही आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और सूखा धनिया, ये सब चीजें भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे से ऑयल सरफेस आउट होने तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे।
मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे और मशरूम को थोड़ा सा मसाले में भुनेंगे एक दो मिनट। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के रख देंगे ताकि मशरूम जो है वो पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। एक दो मिनट मसाले में कुक करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसको 8-10 मिनट के लिए हम फ्लेम स्लो करके ढक कर पकाएंगे। आठ से दस मिनट हो गए मशरूम को मसाले में पकते हुए, अच्छे से ये बन चुके होंगे। बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ही यमी सब्जी बनती है ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज थोड़ा फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और एक दो मिनट के लिए मशरूम मसाले के साथ इनको भी हम ढककर पका लेंगे। दो तीन मिनट प्याज को भी मशरूम और मसाले में कुक करने के बाद अब हम इस पर फ्रेश धनिया डाल देंगे। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म मशरूम दो प्याजा की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम नान, चपाती या फिर लच्छा परांठा के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गेस्ट आने पर बनाइए, बहुत ही रिच डिश लगती है, जरूर से ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से मशरूम दो प्याजा की रेसिपी को। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।